ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है डॉल जिगलर के बारे में। तो जैसे कि अब तक तरह तरह की वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्सेज से न्यूज ये आ रही थी कि डॉल जिगलर का यूएस चैंपियनशिप को छोड़ना स्टोरी लाइन का हिस्सा है और वो फिर से हमें WWE में दिखाई देंगे, लेकिन एक वेबसाइट का कहना यह है कि अब तक जिगलर के बारे में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो सभी गलत है और वाकई में जिगलर WWE छोड़ने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट जिगलर के बारे में ये आ रही है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ अक्टूबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर WWE ने जिगलर का कॉन्ट्रैक्ट थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल यह होगा कि अगर जिगलर को WWE छोड़नी थी तो फिर आखिर क्यों उन्हें US चैंपियन बनाया गया। तो इसके पीछे रीजन सामने ये निकल कर आ रहा है कि WWE चाहती थी कि अगर जिगलर WWE छोड़ भी रहे हैं तो वो असल में तो WWE छोड़ेंगे, साथ ही साथ स्टोरी लाइन में भी ऐसा दिखाया जाएगा कि उन्होंने WWE छोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि WWE चाहती थी कि अगली बार अगर जिगलर का मन बने WWE में अपनी वापसी करने के लिए तो वो एक स्टोरी लाइन के साथ अपनी वापसी करे और वो सीधा कैप्चर कर पाए US चैंपियनशिप को। आपको बता दूं कि जिगलर का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ जनवरी के आसपास खत्म हो रहा है। इसके अलावा डॉल जिगलर पब्लिकली और इवन पॉडकास्ट में भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि WWE के फैंस उन्हें कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, क्योंकि वो लगातार WWE में हार रहे हैं, वो एक नई लाइफ चाहते हैं और इसके अलावा उन्होंने दूसरे प्रमोशंस में काम करने की इच्छाएं भी जताई हैं। तो ऐसे में ये चीज़ क्लियर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि जिगलर रियल लाइफ में, मतलब कि पॉडकास्ट में जाकर भी कह चुके हैं कि वो WWE के साथ खुश नहीं है, और ऐसे में स्टोरी लाइन में भी ये दिखाना कि वो वाकई में WWE क्विट कर रहे हैं, कहीं एक साथ स्टोरी लाइन का हिस्सा तो नहीं। लेकिन हाँ, ये बात स्टोरी लाइन में भी थी और ये सच भी है कि डॉल जिगलर स्टोरी लाइन में भी WWE से गए, इसके साथ साथ वो वाकई में भी WWE फिलहाल छोड़ने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई जिगलर के बारे में। अब हम बात करें आगे क्या होगा US चैंपियनशिप के साथ। तो इस पर रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि US चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में हमें फाइनल जो मैच देखने को मिलेगा वो होगा बॉबी रूड एंड जिंदर महाल के बीच, और इस मैच में जीत होगी मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल की और वो बन जाएंगे न्यू US चैंपियन। इसके पीछे रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जब एजे स्टाइल्स के हाथों जिंदर महाल की हार हुई थी तो उसके बाद भी WWE ये कर सकती थी कि वो इंडिया टूर से पहले दोबारा जिंदर महाल को WWE चैंपियन बना दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने मैच बुक किया क्लैश ऑफ चैंपियंस में जो कि था इंडिया टूर के बाद। ऐसे में ये बात भी लगभग क्लियर हो ही गई थी कि अब जिंदर महाल WWE चैंपियन नहीं बनने वाले। इसके पीछे WWE के प्लान्स ये थे कि जिंदर महाल चैंपियन बनना तो रिजर्व करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें WWE चैंपियनशिप नहीं बल्कि US चैंपियनशिप दी जाएगी। WWE के पहले के ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि हमें WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी रूड एंड जिंदर महाल के बीच फ्यूड दिखाई देगी, लेकिन अब भी हमें वो फ्यूड दिखाई देगी बट इस बार वो WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि होगी US चैंपियनशिप के लिए। और स्टोरी लाइन के हिसाब से जिंदर महाल का चैंपियनशिप जीतना मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर कोई फॉरन सुपरस्टार USA के लिए US चैंपियनशिप जीता है तो ऐसे में फैंस का रिएक्शन उस सुपरस्टार पर किस तरह का होगा ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और हम बात करें जिंदर महाल की तो वो तो पहले से एक टॉप हील बने हुए हैं, और अगर वो US चैंपियनशिप भी जीत जाते हैं तो उनका हील का करेक्टर एक अलग लेवल पर जा सकता है। तो गाइस, ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स डॉल्फ ज़िगलर एंड US चैंपियनशिप के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।